तुम्हें शहर में आता हूँ बेशक, मैं शहर में आता हूँ बेशक, पर बस्ते में अपना गांव रखता हूँ। मैं शहर में आता हूँ बेशक, पर बस्ते में अपना गांव रखता हूँ। मैं अपने जिक्र से पहले अपनी माँ को सलाम रखता हूँ। तो दो लाइनें माँ के लिए लिखी हैं। न कोई जमी है न कोई जमा है, मेरी तो निजामत बस मेरी माँ है। निजामत मीन्स हुकूमत, तो मेरी सारी वो हुकूमत मेरी माँ है। न कोई जमी है न कोई जमा है, मेरी तो निजामत बस मेरी माँ है। ना किसी पे भरोसा ना किसी से वफा है, मेरी हर इबादत में बस माँ ही माँ है। जेठ की दोपहरी में पीपल की छाँ है, अंधेरे मकामे उजाला ही माँ है। तो अब दीपिका जी ने इश्क के बारे में कुछ बात की थी, तो उनका जवाब तो नहीं है, बट उनकी बातों का कंटिन्यूएशन है कि इश्क में क्या क्या हो सकता है। एक आंसू से जलजला लाया जा सकता है, उस नमी में सूखा है कितना, जो इश्क करे उसी से बताया जा सकता है। एक आंसू से जलजला लाया जा सकता है, एक आह से दुनिया रुक सकती है, एक आह से दुनिया रुक सकती है, एक नाम से नया जहां बसाया जा सकता है। आशिक रोता है रोने दो जान लो बस, आशिक रोता है रोने दो जान लो बस, एक ही जिक्र से चुप कराया जा सकता है। मुझे पता नहीं कहां पे रुकना होता, तो प्लीज चीयर अप कर दिया करो बीच बीच में, फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं हो रहा। जन्नत के रस्ते को ठोकर मार देता है, जब जान लेता है कि जहन्नुम में उसके साथ घर बसाया जा सकता है। मोहब्बत गम भी है मुस्कान भी, बाकी हालातों वक्त पे दोनों को मिलाया जा सकता है। बड़े मोड़ आते हैं इश्क की राह में, तो हंसते हुए रोना रोते हुए हंसना, ये नुस्खा कभी भी आजमाया जा सकता है। उसके चले जाने के बाद मेरी मर्जी थी गुस्सा था, तो उसके घर के रास्ते तक नहीं गया, पर वो जानता है मुझे किस तरह से बुलाया जा सकता है। एक गली है दरमियां कुछ फुट का रास्ता है, एक गली है दरमियां कुछ फुट का रास्ता है, वो एक मुस्कान की डोर दे तो दरिया तक को छकाया जा सकता है। आजकल बेजुबान समझने लगे हैं लोग, आजकल बेजुबान समझने लगे हैं लोग, मेरे दुख को बेमर्ज समझने लगे हैं लोग। वो गम और इस राज का सबब नहीं जानते, कोई घर कस के गले लगाएगा तो सब कुछ बताया जा सकता है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो कुछ लाइनें अपने इंट्रोडक्शन के लिए लिखी है। मैं विद्रोह में लिखता हूँ, मुझे प्यार मोहब्बत हुआ नहीं है, ये उधारी की कविता थी, माने किसी और के प्यार को देख के लिखी हुई कविता थी, तो अपने मैं विद्रोह में लिखता हूँ। तो अब बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, अब बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, बोलता हुआ सा मौन हूँ, मैं ठहरी हुई पवन हूँ, मैं डूबा हुआ जल हूँ, जो आ ना सका वो कल हूँ। रोती हुई मुस्कान हूँ मैं, जन्म देता शमशान हूँ, किसी गरीब का मकान हूँ मैं, गूंगी एक जुबान हूँ। ईमान की दुकान हूँ, बिकता हुआ इंसान हूँ, मैं गुलामी से गुलाम होकर उड़ता परिंदा हूँ, मर चुकी इंसानियत में जिंदा हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ कांप रहे हैं, फंसता है। मैं गुलाम होकर उड़ता परिंदा हूँ, मर चुकी इंसानियत में जिंदा हूँ, मैं मर्द हूँ जरा शर्मिंदा हूँ। इसमें लेडीज़ की तरफ एक माफ़ी थी कि औरतों की तरफ, जो हम एंटायर मेल कम्युनिटी की तरफ से फीमेल्स के लिए माफ़ी थी कि मैं मर्द हूँ तो कुछ शर्मिंदा हूँ। मैं सफ़ेद रंग रंगीन हूँ, मैं एक मुस्कुराहट संगीन हूँ, मैं निकलती हुई शाम हूँ, मैं रावण रूपी राम हूँ, मैं चिलचिलाती छाव हूँ, मैं पथरीला एक गाँव हूँ, मैं मरुस्थल की नाव हूँ, मैं सैलाब में एक टापू हूँ, मैं गोडसे का बापू हूँ, मैं मिटी हुई निशानी हूँ, मैं अनकही कहानी हूँ, मैं हंसती हुई परेशानी हूँ, मैं गालिब की लिखी गीता हूँ, मैं कलयुग में फंसी सीता हूँ, मैं महाभारत में अजान हूँ, मैं मस्जिद का भगवान हूँ।
पत्थर पे हल चलाता हूँ मैं, मुस्कुराता किसान हूँ मैं, सैलाब मैं पत्थर पे हल चलाता हूँ, खुश रहता किसान हूँ। कौन हूँ मैं, कौन हूँ इसी की तलाश है, कहीं जवाब मिलेगा जरूर, इतना ही विश्वास है। थैंक यू। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन Nojoto ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।